आज हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस का। हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं अलग अलग। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है एंड ओजेनेसिस क्या है, दोनों का हिस्टोलॉजी पढ़े थे, टेस्टिस का एंड ओवरी का। तो अब तुम लोग के सामने दोनों का डायग्राम दे रहे हैं हम कि ओजेनेसिस क्या है। ओजेनेसिस जब एग्जाम में आए तो इस डायग्राम को बनाओगे, और जब स्पर्मेटोजेनेसिस आए तो इस डायग्राम को बनाओगे। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पहले देखो 1 2 3 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक उगोनिया से देखो, एक उगोनिया से कितने ओभम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक एक से एक, तीन जो है वो जो पोलर बॉडी बना है वो डिजेनरेट कर जाता है। क्यों डिजेनरेट कर जाता है? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ग्रो करेगा ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए एक उगोनिया से एक ही ओभम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन हमेशा आएगा और इस बार भी जैक बोर्ड में आएगा कि एक ओगोनिया से कितने ओभम का फॉर्मेशन होता है और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ नहीं आएगा, जब जैक में तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आएगा ही, तो इसको याद रखना। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। हम दोनों को पहले पढ़ चुके हैं, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में देखे थे कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ बनता है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल से। ठीक, ओवरी का डायग्राम याद रखो, याद करो कि ओवरी के डायग्राम में देखे थे ना कि जर्म सेल है, प्राइमोडियल जर्म सेल कहाँ पर था, जर्मिनल एपिथेलियल जो है वहीं से क्या फॉर्मेशन होता है, ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है। देखो ओगोनिया तो ये किस डिवीजन द्वारा होता है, हम लोग तीन फेज में सबसे पहले बांटे थे। यहाँ देखो सबसे पहले तीन फेज बांटे हैं। पहला मल्टीप्लीकेशन फेज है, पहला कौन फेज है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन फेज है। सेकेंड फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड मैचुरेशन फेज। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तीनों में सेम फेज आएगा। हाँ, एक मैचुरेशन पहला होगा मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज एंड थर्ड मैचुरेशन फेज। अब दोनों में देखते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है एंड ये क्या है, ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ क्या है, जर्म सेल है। फर्स्ट देखो जर्म सेल, हाँ प्राइमोडियल जर्म सेल होगा। इसमें डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस सेल डिवीजन। ये भी ओवरी में है, ये टेस्टिस में है, ये ओवरी में है, ये भी माइटोसिस डिवीजन द्वारा एक से मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो जर्म सेल जो है टेस्टिस में जो होगा वो क्या फॉर्म किया, स्पर्मेटोगोनिया। और ओवरी में क्या होगा, उगोनिया। उगोनिया का फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवीजन माइटोसिस है। माइटोसिस तुम लोग जानते हो, जब डिप्लॉयड सेल होता है तो डिप्लॉयड में जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, डिप्लॉयड का ही फॉर्मेशन होगा। तो इसमें अगर मदर सेल जो है ये फीमेल का है, ये मेल का है, तो अगर 46 क्रोमोजोम है तो सारे स्पर्मेटोगोनिया एंड उगोनिया में क्या होगा, 46 क्रोमोजोम होगा, जिसको डिप्लॉयड कहते हैं, उसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। ठीक, अब माइटोसिस के बाद कुछ हम लोग एक फेज आता है जहां कि सिर्फ ग्रोथ होगा, कोई डिवीजन नहीं। हम लोग सेल डिवीजन दो तरह का पढ़े हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, लेकिन बीच में इसमें दोनों डिवीजन हो रहा है। चूंकि जर्म सेल है, तुम्हारे बॉडी का एक ऐसा जर्म सेल है जहां मियोसिस, सिर्फ मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल में। लेकिन इस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस में और ओजेनेसिस में एक बीच में फेज आता है, मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज। यहाँ देखो ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज माने ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ होगा,
जैसे कोई चीज का ग्रोथ होता है ना, हिंदी में बोलते हैं ना वृद्धि, सिर्फ खाना पीना खाएगा और हेल्दी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थोड़ा ग्रोथ करेगा। तो वही इस जो स्पर्मेटोगोनिया है या उगोनिया है, वो क्या करेगा, सिर्फ अपना खाना लेगा और ग्रोथ करेगा। उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ क्या कहेंगे, प्राइमरी ओसाइट। देखो दोनों खाना खा खा कर मोटा हो गया है, तो इसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं। तो यहाँ पर अंतर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है, लेकिन ओजेनेसिस जो है, जो बच्ची जो है फीटल लाइफ माँ के पेट में है, तभी क्या होता है, ये शुरू हो जाता है माइटोसिस का प्रोसेस। लेकिन ये कब शुरू होगा, 12 साल के बाद, जब कोई भी लड़का है जो मेल है, जब प्यूबर्टी एज आता है उसका, तभी जाके उसमें क्या होगा, उसका मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये शुरू हो जाता है जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन या फेटल लाइफ है, जब बच्ची माँ के पेट में है, तो उसी समय से इसमें सेल डिवीजन शुरू हो गया। और क्या होता है कि यहाँ पर उगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। उगोनिया जो है बर्थ के समय करीब 1 कपल ऑफ मिलियन, मतलब उतना उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है प्राइमरी ओसाइट बनने का जो है, ये कितने साल तक रेस्ट हो जाएगा पता है, 12 साल तक, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं आ जाती है, मतलब कहने का प्यूबर्टी एज में आ जाएगी, तब तक ये अरेस्ट रहेगा ग्रोथ फेज में ही। हाँ, और कुछ उगोनिया जो है वो फॉलिकुलर एट्रेसिया के द्वारा वो डिजेनरेट कर जाता है। तो ये जो है ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड फेज, ग्रोथ फेज समझ लिया, ग्रोथ फेज में क्या हो गया, सिर्फ ग्रोथ हुआ। अब थर्ड फेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं मैचुरेशन फेज। अब मैचुरेशन फेज जो होगा, उसमें मियोसिस फर्स्ट यहाँ शुरू हुआ है, और यहाँ भी मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाएगा। तो मियोसिस फर्स्ट शुरू होगा, तो यहाँ एक मियोसिस जब होगा, तो ये जो 2n था, 2n से हैप्लोइड 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। देखो दोनों सेम है, दोनों में साइटोप्लाज्म है, दोनों अच्छा सा सेल दिख रहा है, सेकेंडरी ओसाइट है, और दोनों से फिर मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, 1 से 2, 1 से 2, 4 बनेगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्मेटिड जो है स्पर्मायोजेनेसिस के द्वारा 4 स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो 1 से 4 बन गया। यहाँ देखो एक प्राइमरी ओसाइट है ना, प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट से जब मियोसिस फर्स्ट इसमें शुरू होगा, तो यहाँ पर देखो एक तो बहुत अच्छा बना, हाँ, इसको सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे। हाँ, तो चूंकि फर्स्ट मियोसिस है, तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, फर्स्ट मियोसिस हो तो इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्रोमोजोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी, n और 23। लेकिन दूसरा जो बनेगा वो छोटा सा बनेगा, इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्रोमोजोम्स तो हाफ हो गया, लेकिन क्या चीज का कमी दिख रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म 9 के बराबर है। जब साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा, इसको खाना ही नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, एक बार तो ये डिवीजन कर जाता है। देखो 1 से 2 बना है पोलर बॉडी ना, लेकिन अब डिवाइड नहीं करेगा, ये डिजेनरेट करेगा। थोड़ा सा खाना दिख रहा है, थोड़ा न्यूट्रिशन है इसके पास, इसीलिए क्या किया, ये दूसरा सेल का फॉर्मेशन किया, डिवाइड किया एक बार, लेकिन ये डिजेनरेट कर जाएगा, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ना, तो ये डिजेनरेट कर जाता है, ठीक। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट जो फॉर्म किया है, इससे देखो फिर एक ये अब मियोसिस सेकेंड शुरू हो गया, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ था, मियोसिस सेकेंड, यहाँ देखो मियोसिस सेकेंड हो गया, यहाँ मियोसिस सेकेंड जो होगा उसके कारण क्या होगा, एक तो अच्छा सारा अच्छा बना है ये सेकेंडरी ओसाइट जो है डिवाइड करके, इसको कहते हैं राइप एग, मतलब ये फूल है, मैच्योर है,
लेकिन इसमें भी कमी है देखेंगे, इसलिए या तो इसको उटिड कहो या ओबम कह सकते हैं, सेकेंडरी ओसाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो मियोसिस सेकेंड जो शुरू हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मेटाफेज में अरेस्ट हो गया है, सेकेंड में मैंने मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज सेकेंड जो उसमें अरेस्ट हो गया है, और ये एक पोलर बॉडी का सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ये भी डिजेनरेट कर जाएगा, माने इसका तीनों पोलर बॉडी जो बना वो डिजेनरेट करेगा, लेकिन क्रोमोजोम्स का संख्या सब में एन है लेकिन डिजेनरेट करेगा। और ये जो राइप एग है या ओटिड है यही एक फॉर्म किया। हाँ, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक उगोनिया से एक ही तुम्हारा क्या बनता है, एक का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ चार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यही दोनों में अंतर है, ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे ना इसका दूसरा जो फिर पढ़ेंगे, अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, अभी आगे का और चीज पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के समय समझेंगे कि वास्तव में जो स्पर्म आएगा और यहाँ ओवम है तो किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा और कैसे इसका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है उसको मेन पढ़ेंगे, और जायगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर कैसे एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। तो यही मेन दोनों में अंतर था कि इसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में क्या अंतर है, तो हम लोग अंतर को समझे, तीनों फेज को समझे, तीनों फेज में कितने अंतर है, क्या स्पर्म से एक से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ये जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है, लेकिन ये जो है ओभम का देखेंगे कि ये कुछ ही समय तक प्यूबर्टी के बाद ये फॉर्मेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन होगा, या हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे कितने साल तक एक फीमेल जो है वो फीमेल कितने साल तक ओभम का प्रोड्यूस करेगी, एक समय आता है मेनोपॉज अबाउट 50 to 55 ईयर्स, अभी तो 45-50 ही कहते हैं लेकिन 50 to 55 ईयर्स के आसपास मेनोपॉज हो जाता है जबकि ओभम का बनना सीज कर जाता है, लेकिन ये स्पर्म का प्रोसेस थोड़ा कमता है बहुत ओल्ड एज तक, लेकिन वो तो कंटिन्यूअस है। तो यही अंतर सब देखेंगे, यहाँ पोलर बॉडी है वो डिजेनरेट करेगा और एक ही ओभम है यही फॉर्म करेगा जो कि फर्टिलाइजेशन में चला जाएगा, वो कैसे होगा फिर हार्मोनल कंट्रोल में देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि और कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये ओजेनेसिस जो है ओजेनेसिस से हम लोग को क्या फायदा मिलेगा कि ओभम का फॉर्मेशन होता है बस, और क्या।